हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में पायरेटेड विंडोज और जेन्युइन विंडोज के डिफरेंस के बारे में बातें करूंगा। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि जेन्युइन विंडोज होती है जो कि आप परचेज करते हैं पैसे देकर के, और पायरेटेड होती है जो आप इधर उधर से डाउनलोड करते हैं। तो आइए दोस्तों, इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसु और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पायरेटेड विंडोज और जेन्युइन विंडोज के बीच में कोई फीचर्स में डिफरेंस होता है या नहीं। तो दोस्तों पायरेटेड विंडोज और जेन्युइन विंडोज के बीच में फीचर्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के फीचर्स सेम होती है, क्योंकि ओरिजिनल कोडिंग तो विंडोज की ही है, तो फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि एक्टिवेशन में डिफरेंस होता है। आपने जब पैसे देकर जेन्युइन विंडोज को खरीदा तो आपको इसके साथ एक सीरियल की दी गई, जिससे आपने उस विंडोज को एक्टिवेट किया और हैकर्स ने उस विंडोज की एक्टिवेशन को क्रैक करके आपको डाउनलोड करने के लिए दिया। तो इसे अगर सिंपल तरीके से समझें, जैसे कोई ताला है, कोई लॉक है, आप उसे चाबी से खोले तो वो जेन्युइन हुआ, और अगर उस लॉक को कोई तोड़ दे तो वो पायरेटेड हुआ। तो जेन्युइन और पायरेटेड में आपको सेम फीचर मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक्टिवेशन में डिफरेंस होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पीड और बैटरी बैकअप में क्या डिफरेंस होता है पायरेटेड विंडोज और जेन्युइन विंडोज में। तो दोस्तों जब आप इंस्टॉल करते हैं पायरेटेड विंडोज या जेन्युइन विंडोज को, तो उस टाइम स्पीड और बैटरी बैकअप में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन दोस्तों वो जो पायरेटेड विंडोज है उसको हैकर्स ने क्रैक करके आपको एक्टिवेट करके दिया है डाउनलोड करने के लिए फ्री में। और दोस्तों जो भी आपको चीज फ्री में मिले उस पर थोड़ा शक करना चाहिए, कोई भी बिना अपने स्वार्थ के आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ भी वही बात है, हैकर्स आपको क्रैक करके दे तो रहे हैं लेकिन यहाँ भी अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उस एक्टिवेशन में आपको वायरस या मेलवेयर इंस्टॉल कर दे रहे हैं, ताकि आप जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम तो स्पीड ठीक ही रहती है, लेकिन बाद में वो वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है, सीपीयू यूजेज को हाई कर देता है, जिससे कि आपकी टाइम के साथ कुछ महीनों में पायरेटेड विंडोज बिल्कुल स्लगिश हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और हो सकता है कि उसे फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जेन्युइन विंडोज क्योंकि वो क्लीन थी, वो सीरियल की से एक्टिवेट की हुई थी, तो वो सालों साल तक सेम परफॉर्मेंस देती रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई वायरस नहीं है। और दोस्तों वायरस की बात हुई है तो ये जो स्लो करने वाला वायरस है उससे हैकर्स को कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी कंप्यूटर स्लो हुई उससे हैकर को कुछ नहीं मिला। तो हैकर्स भी आजकल एडवांस हो गए हैं, एक्टिवेटर्स में मेलवेयर या रैंसमवेयर डाल देते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर को स्लो तो नहीं करती लेकिन बैकग्राउंड में वर्क करती रहती है, और आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं जैसे बैंकिंग एक्टिविटीज या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आप टाइप करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज वो हैकर्स के पास सेंड कर देता है, और रैंसमवेयर में आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के बदले आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो इस तरह से मान लें कि किसी ने पायरेटेड विंडोज खरीद करके कुछ हजार रुपए बचा लिए, तो वो जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चला गया, तो आप सोच सकते हैं तो कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में उसके लाखों रुपए खतरे में पड़ चुके हैं। तो भले ही पायरेटेड विंडोज लोगों को फ्री में मिलता है लेकिन अल्टीमेटली ये जेन्युइन विंडोज से काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त बोले कि मेरा विंडोज पायरेटेड है लेकिन बिल्कुल भी स्लो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी विंडोज में हैकर्स ने स्लो करने वाला वायरस नहीं डाला, उसने ट्रेस करने वाला वायरस डाला कि जो भी एक्टिविटीज होगी वो हैकर्स के पास जाएगी। और एक्टिवेटर्स की बात करें तो दो तरह की एक्टिवेशन होती है पायरेटेड विंडोज में। एक तो हैकर्स विंडोज की आईएसओ को डाउनलोड करके उसकी एक्टिवेशन को क्रैक करके आपको प्री एक्टिवेटेड करके देते हैं, तो उसमें वायरस इंक्लूडेड होता है। और एक होता है कि आप खुद से विंडोज की आईएसओ को डाउनलोड करें इस वेबसाइट से, उसके बाद हैकर्स आपको वेबसाइट से एक्टिवेटर्स अवेलेबल कराते हैं जैसे केएमएस पिको। तो विंडोज आईएसओ को इंस्टॉल करके उसके बाद केएमएस पिको से उस विंडोज को एक्टिवेट किया जाता है। तो वो जो बात की मैंने वायरसेस की, तो मैंने केएमएस पिको आपके लिए डाउनलोड की है और मैं आपको वायरस टोटल पे उसकी स्कैनिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ वायरस टोटल में कई सारे एंटीवायरस एक ही फाइल को स्कैन करते हैं और उसके रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ जो मैंने केएमएस पिको जो विंडोज को एक्टिवेट करता है उसे मैंने स्कैन किया, तो आप देख सकते हैं कि 58 एंटीवायरस में से 36 ने उसे डिटेक्ट किया वायरस के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो इन सभी बातों के बाद मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि जितना भी हो सके पायरेटेड विंडोज से दूर रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज को नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, तो भी आप प्लीज पायरेटेड विंडोज को इंस्टॉल ना करें। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट से विंडोज 10 आईएसओ को डाउनलोड कर लें और यूज करें, लेकिन उसे केएमएस पिको से क्रैक ना करें, क्योंकि उसके बाद आपके कंप्यूटर क्लीन नहीं रह जाएगी, उसमें वायरस आ जाएगा और आपके कंप्यूटर को ओवर टाइम ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है और आपके बैंक बैलेंस को भी। अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं या आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं हैकर्स।
या आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके पैसे मांग सकते हैं, तो पायरेटेड विंडोज से बिल्कुल ही दूर रहें। आप डायरेक्ट अनलाइसेंस्ड वर्जन यूज करें। आप उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते, वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते, टास्क बार का कलर चेंज नहीं कर सकते, तो इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर ही सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एक्टिवेट विंडोज चाहिए तो आप विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं आप लीगली विंडोज को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रैक से बिल्कुल ही दूर रहें। आपको अनलाइसेंस्ड वर्जन में भी अपडेट्स मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा, बस एक्टिवेटेड नहीं होगा और बस एक वाटर मार्क आएगा। तो बस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप मेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पायरेटेड विंडोज में आपको वायरस का खतरा है, ऊपर से विंडोज वैसे तो आपको अपडेट्स देगी, कुछ कुछ क्रिटिकल अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। इसके बाद ये श्योर नहीं है कि आपका लाइफ टाइम वो क्रैक रह ही जाए। माइक्रोसॉफ्ट अपने अपडेट से आपकी विंडोज की क्रैक को डीएक्टिवेट कर सकती है, फिर से आपको वो अननोइंग पॉपअप आने लगेगा, आपकी कंप्यूटर टाइम टू टाइम रिस्टार्ट होने लगेगी। तो आप सोच सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और आपकी कंप्यूटर अचानक से रिस्टार्ट हो जाए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। तो काफी सारे नुकसान है पायरेटेड विंडोज के। और इथिकली बात करें तो ये एक तरह से चोरी हुआ। कोई डेवलपर्स बहुत मेहनत से ओएस गेम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और यूजर्स उसे डाउनलोड कर लेते हैं फ्री में, तो उससे डेवलपर्स को कोई कमाई नहीं होती, इससे उसे नुकसान होता है। तो इथिकली भी ये काफी गलत है। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि पायरेटेड विंडोज से बिल्कुल ही दूर रहें। आप अनलाइसेंस्ड वर्जन यूज कर सकते हैं फ्री में, लेकिन उसे केएमएसपी को से एक्टिवेट ना करें। और अगर आपको एक्टिवेटेड चाहिए तो विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें। तो इन सभी तरीकों से आपकी विंडोज क्लीन रहेगी और आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग डाटा सभी सेफ रहेगी। तो दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप देख सकें इस तरह की वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।